क्या भाग गया ग्रामीण उद्यमिता संस्थान? बेरोजगार युवाओं के साथ क्या है ये कोई मजाक? दोस्तों नमस्कार, आप में से जिन भी लोगों ने GUS यानी कि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान का फॉर्म भरा था और उम्मीद में थे कि जल्द ही आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो शायद आपके सपनों पर पानी फिर सकता है और आपको लग सकता है बड़ा झटका। ग्रामीण उद्यमिता संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में जिनके नाम आए थे उनके मेलिंग एड्रेस पर अपॉइंटमेंट लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एफिडेविट भी भेजा गया था, जिसमें आपको 2900 व 3400 के आसपास का चालान लगाना था। ये चालान अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग हिसाब से थे। इसके बाद इस एफिडेविट को वापस ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के मुख्य कार्यालय के लिए भेजा जाना था। कई युवाओं ने तो इसे एक स्कैम सोचकर ना तो चालान लगाया और ना ही इसमें नौकरी करने का मन बनाया, लेकिन कई बेरोजगार युवा रोजगार की चाह में चालान लगा बैठे। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो युवाओं के मन में GUS के भाग जाने की शंका जाग गई और अब GUS यानी कि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की वेबसाइट का सस्पेंड हो जाना यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने बड़ा खेला कर दिया है और एक बार फिर बेरोजगारों के साथ हो गया है बड़ा स्कैम। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई GUS वाकई में स्कैम करके चली गई है या फिर उनकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट है। बहरहाल आगे की अपडेट भी आप लोगों को बताते रहेंगे। देखते रहिए UKpedia।